सब्सक्राइब करें आकाश सैनी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, मैं आकाश सैनी और आप सभी को अपने चैनल आकाश सैनी में वेलकम करता हूं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक जैसा कि आपने देखा कि जो एमपी आयुष काउंसलिंग है उसके दो राउंड जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात आती है थर्ड राउंड की। तो अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से कि जो थर्ड राउंड है वो होगा कि नहीं होगा। तो इसी को डाउट को आज मैं क्लियर करूँगा आपके कि जो थर्ड राउंड है वो होगा कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो अभी फर्स्ट राउंड हुआ उसके बाद उन्होंने फर्स्ट के बाद अपग्रेड राउंड करा था, तो उनमें कुछ मतलब कि ज़्यादा तो नहीं पर कुछ न्यू स्टूडेंट को सीट अलॉट की थी, और उसके बाद सेकेंड राउंड में मोस्टली स्टूडेंट्स को सीटें मिल चुकी हैं। अब बात आती है थर्ड राउंड की। तो थर्ड राउंड होगा और कन्फर्म है कि होगा, क्योंकि अभी कुछ कॉलेजेस ऐसे बाकी हैं। जैसे कि मैं बात करूं यदि जबलपुर के अंदर, तो अभी यहाँ पर एक होम्योपैथी का कॉलेज भी बाकी है और एक आयुर्वेदिक कॉलेज भी बाकी है जो कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो इससे ये क्लियर होता है कि मतलब अभी हर एक स्टेट के अंदर, मतलब जो एमपी स्टेट है उसमें कोई ना कोई कॉलेजेस अभी बचे हुए हैं। ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक दो कॉलेजेस बचे हुए हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाएगा तो उनकी जो सीट है वो फिल करने के लिए अभी थर्ड राउंड होगा और कन्फर्म होगा, जिसका नोटिफिकेशन जो है एक दो दिनों में ही आ जाएगा। और जैसे ही ये नोटिफिकेशन आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने चैनल के थ्रू। तो चलिए फ्रेंड्स, देखने के लिए थैंक्स।